नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। स्वागत जिंदगी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर। इंद्र अवस्थी गोली से घायल अवस्था में जिला अस्पताल दमोह पहुंचे, जहां उनके द्वारा इमलाई गुना व्यक्ति ब्रजेश व राघवेंद्र पटेल द्वारा मुश्की बाबा से पत्रिया तिराहे के बीच पिस्तल से गोली मारना बताया गया है। शैलेंद्र अवस्थी की रिपोर्ट पर थाना दमोह देहात में उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध 25/5/2023 के 7:30 पर अपराध क्रमांक 341/23 धारा 307 34/25/27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह के मार्गदर्शन में प्रकरण की तत्परता से विवेचना और निराकरण हेतु थाना प्रभारी दमोह देहात को निर्देशित किया। घटना उपरांत कृत कार्यवाही घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होने से विवेचना के दौरान बताई। घटना स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ की गई है, जिनके द्वारा फरियादी के बताए स्थान पर घटना घटित होना नहीं पाया गया है। थाना क्षेत्र और कोतवाली के मुखबिर से घटना की सत्यता के संबंध में पता चला है। जानकारी मिली कि प्रार्थी के साथ के व्यक्ति ही घटना में शामिल थे। घटना संभवतः प्रार्थी के घर की है और उक्त सूचना पर बारीकी से विवेचना करने व FIR में चतुर्दशी साक्षी रवि प्रजापति से सघनता से पूछताछ की गई। उनके द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया है और घटना स्वीकार करने के उपरांत कार्यवाही भी की गई है। क्योंकि जो रिपोर्ट करता था शैलेंद्र अवस्थी जो मजदूर था वो जो है रिफर हो गया था, क्योंकि गोली जो है उसके अंदर रह गई थी। एक्सरे में आया था कि गोली अंदर है शरीर के, तो उसको जबलपुर रिफर कर दिया गया था जो अभी सामान्य स्थिति में है, खतरे से बाहर। तो मुखबिर रवि प्रजापति से जब बात हुई तो उसने बताया कि कुछ समय पहले प्रति स्तंभ के पास ब्रजेश और राघवेंद्र के साथ झगड़ा हुआ था और इन लोगों से एक पुराना भी झगड़ा था। जब पिछली साल इसने शैलेंद्र ने इन लोगों को पकड़ के मारपीट भी की थी, इस पर भी केस रजिस्टर है। तो झगड़ा हुआ था, झगड़े से मुकदमा लगभग 1 अप्रैल में कायम हुआ है कोतवाली में। शैलेंद्र अवस्थी गए थे तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि कैसे किया जाए कि इस तरह के इनको फंसाया जा सके। इन्होंने क्या किया कि एक घटना रचित करने के लिए अपने पास मौजूद देसी रिवाल्वर से गोली चलवाई। अब कोई एक्सपर्ट था नहीं, जो चलाने वाला भी था, तो गोली ऐसे लगी कि गली अंदर जाकर फंस गई। उसके बाद ये लोग मजबूरी में कोतवाली पहुंचे, अरे अस्पताल पहुंचे तत्काल। और इन्होंने घटना स्थल इसीलिए ऐसी जगह को बताया जहां आरोपियों के घर का जाने का रास्ता, यानी मुश्की बाबा पथरिया रोड का। तो इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में सारी बातें साफ हुई और सारी बातें साफ होने के बाद इन सब लोगों की निशानदेही पे फरियादी जितेंद्र शैलेंद्र अवस्थी के घर की तलाशी ली गई। तलाशी में उसके घर से जो चीज़ें मिली वो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली थी, जिसमें मौके से एक पिस्टल 32 गोल का, जिसमें 7.65 mm का जिंदा कारतूस जब्त हुआ, एक खाली पोखा जब्त हुआ, एक रिवाल्वर जब्त हुई, एक 12 बोल की बंदूक, 4 जिंदा कारतूस, एक चाकू और 1 kg 50 g गांजा भी जब्त हुआ। और साथ ही साथ घटना जब घटी थी तो कहीं ना कहीं उसका निशान होना चाहिए तो एक बेडशीट में खून लगी हुई बेडशीट भी जब्त हुई थी। इससे साबित हुआ कि इन लोगों ने ये घटना घटित की, अब खुद ही बनाई थी, न कि ब्रजेश और राघवेंद्र ने घटना घटी। इसके आधार पर हमने 2 आरोपी गिरफ्तार किए, रवि पिता मोहन प्रजापति, जितेंद्र पिता राजकुमार अवस्थी और NDPS एक्ट में जितेंद्र पिता राजकुमार अवस्थी, इस तरह 2 मामलों में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मामले में और जाँच चल रही है और जाँच के बाद अगली कार्रवाई।